हेलो स्टूडेंट, एज यूजुअल आई एम सजाद खान फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत्सर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबत्सर से सजाद खान हूं। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड फर्स्ट चैप्टर अप टू एग्जाम्पल 9। हमने अपने पिछले वीडियो में पहले अध्याय को एग्जाम्पल 9 तक है कंप्लीट किया था, पूरा किया था। एंड अवर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सरसाइज 1.2 ऑफ फर्स्ट चैप्टर। और आज की हमारी वीडियो में हम पहले अध्याय की एक्सरसाइज 1.2 है वो स्टार्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 है वो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 20 पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट मीन्स निरूपित करना या दर्शाना नंबर्स एंड संख्याओं को ऑन द नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टू पार्ट्स है इसके। फर्स्ट नंबर है 7/4 एंड सेकंड नंबर है -5/6। सो निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। सो नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर जो है रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है पेंसिल से, स्केल की सहायता से पेंसिल का यूज करना अपने को। तो यहाँ पर फर्स्ट है, इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको। अब यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से, तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। और यहाँ पर जो नंबर्स है अपने वो हमें देखने पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर। सो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का हमें ध्यान रखना है। तो 7/4 है वो पॉजिटिव नंबर है, इनके आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, यहाँ पर 0 राइट करेंगे। 0 से राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, एंड लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर नंबर्स जो है 7/4 अपने 7/4। सो 7/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जो भी नंबर्स है, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर है तो 0 से राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट होगा, और अगर नेगेटिव है तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट होगा। तो ये 7/4 पॉजिटिव नंबर है तो 0 से राइट साइड। तो यहाँ पर हमें देखना है इक्वल पार्ट्स करने इसके, तो बराबर दूरी पर यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर डैश लगाना है, नंबर रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल जो है डिस्टेंस पर यहाँ पर डॉट लगाते हैं। सो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर इक्वल डिस्टेंस पर हमें जो है पॉइंट यहाँ पर डेनोट करने हैं। अब यहाँ पर जो है 7/4 है तो यहाँ 0 जो डेनोमिनेटर है वो हम राइट करेंगे। सो यहाँ पर 0/4 हम राइट करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है 4 है तो 4 राइट करेंगे, 5 है तो 5 राइट करेंगे। तो ये स्टार्ट हो रहा है 0/4, इधर रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव। तो 0 से लेफ्ट साइड नंबर था -1/4 1/4। इसी प्रकार 1/4 पर पॉजिटिव, 2/4 3/4 4/4। सो यहाँ पर देखेंगे 1/4 2/4 यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करें 1/4, सेकेंड है यहाँ 2/4 3/4 एंड 4/4। तो 4/4 यहाँ पर हम कह सकते हैं 4 1 4 4 से 4 कैंसिल यानी 1। सो 1 ये 0 से 0 टू 1 के बिटवीन जो नंबर्स है वो रिप्रेजेंट है। अब यहाँ पर इसी तरह 5/4 5/4 6/4 एंड 7/4, इसी प्रकार 8/4 8/4 तो 4 2 8 यानी 2, तो 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो नंबर्स ऑब्टेन करने थे 7/4, तो ये 7/4 यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे ऑन द नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर। तो 7/4 हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह जो पॉजिटिव नंबर थे ये, तो 0 से राइट साइड किए,
अब सेकंड है इसमें पार्ट में देखेंगे, सेकंड है माइनस फाइव बाई सिक्स, तो सेकंड नंबर भी हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, सो सेकंड नंबर है माइनस फाइव बाई सिक्स, सो सेकंड नंबर है वो नेगेटिव है, सो नेगेटिव नंबर है तो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड हम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, स्केल से पेंसिल का यूज करना है या पेन से नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी हमें, आपको पेंसिल का यूज करना है, पेंसिल से नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर वही यहाँ जीरो रिप्रेजेंट करें क्योंकि जीरो से लेफ्ट हैंड साइड हमें नंबर ड्रॉ करने क्योंकि नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ पर फर्स्ट रखें वन बाय सिक्स, वन बाय सिक्स क्योंकि सेकंड जो फ्रैक्शनल नंबर है उसमें डेनोमिनेटर सिक्स है, इसमें फोर्थ है तो हमने फोर हम डेनोमिनेटर जो है यूज करेंगे, यहाँ पर सिक्स है तो यहाँ पर जीरो बाय सिक्स। अब यहाँ पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर लेकिन हमें नेगेटिव है, यहाँ वन बाय फोर, वन बाय सिक्स, माइनस माइनस टू बाय सिक्स, माइनस थ्री बाय सिक्स, माइनस फोर बाय सिक्स एंड माइनस फाइव बाय सिक्स, सो माइनस फाइव बाय सिक्स हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे माइनस जो है फाइव बाय सिक्स, यहाँ करना चाहिए आगे इसके आगे तो माइनस सिक्स बाय सिक्स, सिक्स बाय सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल, तो यहाँ पर ऑप्टेन होगा माइनस वन। सो यहाँ जीरो टू माइनस वन के बिटवीन जो है माइनस सिक्स फाइव बाय सिक्स है वो ऑप्टेन होगा। सो इस प्रकार हम जो सेकंड पार्ट है उसमें नंबर लाइन में जो नंबर्स है वो इस प्रकार हम शो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, यहाँ आप राइट करना चाहें तो नंबर जैसे फर्स्ट में राइट किए थे उसी प्रकार हम राइट भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस वन बाय सिक्स, माइनस टू बाय सिक्स, माइनस थ्री बाय सिक्स, माइनस फोर बाय सिक्स एंड माइनस फाइव बाय सिक्स। सो सेकंड क्वेश्चन, अब इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट माइनस टू बाय इलेवन, माइनस फाइव बाय इलेवन, माइनस नाइन बाय इलेवन ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन पर, यानी संख्या जो दे के माइनस टू बाय इलेवन, माइनस फाइव बाय इलेवन एंड माइनस नाइन बाय इलेवन को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर सेम है, इलेवन इलेवन इलेवन, तो ये एक ही जो नंबर लाइन है उस पर हम शो कर सकते हैं, एक ही नंबर लाइन पर इनको शो किया जा सकता है। तो इसके लिए केवल हम एक ही जो नंबर लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, एक ही नंबर लाइन में इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो नंबर है माइनस टू बाय इलेवन फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर माइनस फाइव बाय इलेवन एंड माइनस नाइन बाय इलेवन, जो नंबर्स है इनको हम रिप्रेजेंट, सभी नंबर नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है सो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड हम इसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। सो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, सो यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड, सो जीरो बाय इलेवन क्योंकि डिनोमिनेटर इनमें इलेवन दे रखा है, सो जीरो बाय इलेवन यहाँ प्लस वन बाय इलेवन, इसी तरह जीरो से लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे माइनस वन बाय इलेवन, माइनस टू बाय इलेवन, माइनस थ्री बाय इलेवन, माइनस फोर बाय इलेवन, माइनस फाइव बाय इलेवन, सो माइनस फाइव बाय इलेवन, माइनस सिक्स बाय इलेवन, माइनस सेवन बाय इलेवन, माइनस एट बाय इलेवन एंड माइनस नाइन बाय इलेवन। सो इस प्रकार नंबर्स जो है अपने ये माइनस टू बाय इलेवन, सेकेंड नंबर माइनस फाइव बाय इलेवन, माइनस नाइन बाय इलेवन, तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो इक्वल पार्ट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे और इसी प्रकार हम नंबर्स लाइन पर इनको ड्रॉ करेंगे। सो माइनस जो है थ्री नंबर्स है वो इस प्रकार हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट फाइव रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन टू, राइट राइट मीन्स लिखना है, फाइव रेशनल नंबर यानी पांच परिमेय संख्या विच आर स्मॉलर देन टू, जो दो से छोटी हो,
ऐसी पांच परिमेय संख्या लिखिए जो दो से छोटी हो। तो दो से छोटी संख्या लिखनी है, वो भी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर टू से स्मॉलर, तो टू से स्मॉलर हम बात करते हैं, तो टू से स्मॉलर जैसे प्लस पॉजिटिव टू है यहाँ पर, तो वन जीरो माइनस वन माइनस टू, जो भी नेगेटिव नंबर्स है वो सभी के सभी जो है पॉजिटिव टू से स्मॉलर होंगे, यानी छोटे होंगे। तो हम इसका जो है लिखना चाहें तो हम इसका सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें ध्यान में कि माइनस टू से जो स्मॉलर नंबर है, देखिए संख्या रेखा की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो टू है, टू से स्मॉलर, तो टू से स्मॉलर नंबर है अपने, जैसे माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन एंड प्लस टू। तो टू से स्मॉलर की बात हो रही है, तो टू से लेफ्ट हैंड साइड जो भी नेगेटिव नंबर हम राइट कर सकते हैं वो सारे के सारे ही जो टू से स्मॉलर है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो पांच परिमेय संख्या पूछी, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हमने सेवन राइट की है। हम चाहें तो इनमें और भी संख्या है जो टू से स्मॉलर है, तो स्मॉलर टू से स्मॉलर नंबर छोटी संख्या और भी है, तो इस प्रकार हम इससे स्मॉलर संख्या लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड टेन रेशनल नंबर बिटवीन माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई टू। फाइंड यानी ज्ञात करना है, माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई टू के मध्य टेन रेशनल नंबर यानी दस परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दस परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दो मेथड, हमने इस चैप्टर में अपने प्रीवियस वीडियो में दो जो मेथड है उनका यूज किया था। तो एक तो अपने मीन्स का मेथड था, जो फॉर्मूला था मीन्स का, उसके हम कर सकते हैं, और सेकंड है सेम डिनोमिनेटर कर। तो डिनोमिनेटर जो है इनका सेम बनाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो मीन्स के फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर इक्वल करके भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सॉल्यूशन करेंगे। सो इसमें नंबर्स है अपने माइनस टू बाई फाइव एंड सेकेंड नंबर है वन बाई टू। सो इसमें हमें इनके बिटवीन जो नंबर है वो फाइंड करने हैं। सो नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम जो है दो मेथड है, उनमें से एक मेथड का यूज करेंगे। तो मीन्स का फॉर्मूला लगाकर टेन नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर टेन नंबर फाइंड करने के लिए अगर हम इनका डिनोमिनेटर है वो इक्वल कर दें, जैसे फर्स्ट नंबर है अपने, तो वो राइट करेंगे माइनस टू बाई फाइव एंड सेकेंड नंबर है यहाँ वन बाई टू। अब इनका जो है डिनोमिनेटर इक्वल बनाते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर फर्स्ट के अंदर है फाइव और सेकेंड के अंदर है टू, तो ऐसा नंबर यूज करेंगे जो दोनों के टेबल्स में आता हो। तो फाइव एंड टू, फाइव टू जा टेन, अगर टेन हम इनका डिनोमिनेटर करते हैं या इक्वल बनाना अपने को, तो इसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड जो नंबर है रेशनल नंबर उसे फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, इनके जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल बनेंगे, जैसे फाइव टू जा टेन एंड टू फाइव जा टेन। सो जब डिनोमिनेटर चेंज होंगे तो नंबरेटर भी चेंज होंगे, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर एंड फाइव टू जा टेन, वो भी प्लस माइनस माइनस के एंड फाइव वन जा फाइव एंड टू फाइव जा टेन। अब यहाँ पर हम देखते हैं माइनस फोर एंड प्लस फाइव, तो प्लस फाइव से माइनस फोर तक जो रेशनल नंबर होते हैं, तो हम यहाँ रफली एक बार समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ नंबर मैंने लिखा फाइव बाई टेन, फाइव बाई टेन से स्टार्ट करते हैं हम, तो फाइव बाई टेन से लेफ्ट हैंड साइड आते हैं प्लस फोर बाई टेन प्लस थ्री बाई टेन, इसी तरह प्लस टू बाई टेन प्लस वन बाई टेन जीरो बाई टेन, इसे माइनस वन बाई टेन माइनस टू बाई टेन माइनस थ्री बाई टेन
एंड माइनस 4/10। तो इनके विचलन देखिए माइनस 4/10 और जो नंबर है 5/10। इनके बीच में जो नंबर ऑप्टेन हुए अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर हमें फाइंड करने 10 रेशनल नंबर। तो इनके बीच में अभी जो है अपने पास केवल 8 रेशनल नंबर ही फाइंड हो रहे हैं, तो 8 ही नंबर फाइंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो है इसके डिनोमिनेटर को और आगे बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो इक्वल करने पर, डिनोमिनेटर इक्वल करने पर हमारे जो है पास ऑप्टेन 8 रेशनल नंबर हो रहे हैं, हमें फाइंड करने 10। तो हम क्या करेंगे इसे और आगे, अब डिनोमिनेटर जब एक बार इक्वल हो जाए तो फिर सेम नंबर से ही हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 एंड नेगेटिव एंड 10 2 20 एंड नेक्स्ट है 5 2 10 एंड 10 2 20। अब यहाँ से 10 से 20 यानी 10 से माइनस 8 तक हम चलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर राइट करते हैं, यहाँ पर मैं नंबर राइट करता हूँ 10/20 एंड आफ्टर 10 9/20 एंड प्लस 7/20 प्लस 8/20 7/20 6/20 एंड 5/20। इस प्रकार हम आगे चलते हैं डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस 7/20 एंड माइनस 8/20। तो इस प्रकार जो नंबर्स हमें ऑप्टेन हो रहे हैं, इस प्रकार देखते हैं कि 10/20 से माइनस 8/20 के बिटवीन हमें जो है 10 से मोर जो रेशनल नंबर हमें ऑप्टन हो रहे हैं। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर कोई से भी 10 रेशनल नंबर हम राइट कर सकते हैं, रेशनल नंबर जो भी हमें राइट करना है 8/20 एंड 10/20 के बिटवीन। तो यहाँ पे देखिए मैं नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ, जैसे ये नंबर लिए -7/20 आफ्टर -6/20 -5/20 एंड -4/20 -3/20 -2/20 एंड -1/20 0/20। तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड आगे भी लेंगे +1/20 +2/20। तो ये जो नंबर्स है 10 हमने राइट किए हैं, तो 10 रेशनल नंबर है। इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो है 10 रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं डेनोमिनेटर इक्वल करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 10 रेशनल नंबर हमने ऑब्टेन किए हैं। और भी जो सेकंड मेथड अपना जो है वो थोड़ा लॉन्ग रहेगा अपने, तो इसमें इजीली हो जाता है डेनोमिनेटर इक्वल करने से जो है हम इजीली समझ भी सकते हैं और इजीली ये हमें ऑब्टेन भी हो जाता है। अगर हम सेकंड जो मेथड अपना जो मेथड है अपना इसमें मींस मेथड है जो फॉर्मूले का यूज करके, उसमें काफी टाइम भी लगता है और बहुत लॉन्ग जो है वो मेथड है, बहुत लंबा मेथड है, इसलिए ये मेथड है वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, 5 रेशनल नंबर यानी 5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 2/3 एंड 4/5। तो सेम जो मेथड हमने यूज किया था फोर्थ वाले क्वेश्चन में, उसी मेथड का यूज हम इसमें भी कर सकते हैं। इसके भी फिफ्थ में थ्री पार्ट है उसमें हम कर सकते हैं इजीली। और यहाँ केवल ओनली हमें 5 रेशनल नंबर ही फाइंड करने, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इजीली कर सकते हैं जो अपना जो सेकंड मेथड है उससे हम कर सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और फिफ्थ में पार्ट फर्स्ट है वो हम करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में नंबर है अपने 2 by 3 and 4 by 5। यहाँ पर भी 2 जो रेशनल नंबर है उसमें डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे हम फर्स्ट, तो फर्स्ट जो रेशनल नंबर 2 by 3 है और सेकंड जो रेशनल नंबर है इसमें वो है 4 by 5। अब यहाँ पर डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो एक नंबर जो है 3 की टेबल में भी आ रहा हो और 5 की टेबल में भी ऑब्टेन है रहो, 3 5 15 यानी 15, तो हम इसे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और जो सेकंड नंबर है उसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 15 एंड 3 5 15, तो डेनोमिनेटर इक्वल बनेगा अपना 2 5 10 एंड 3 5 15, 4 3 12 एंड 5 3 15। अब देखते हैं हम, देखिए 10 एंड 12 के बिटवीन केवल ओनली वन नंबर होता है 11, तो यहाँ पर 5 नंबर ऑप्टेन नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम आगे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आगे करेंगे इनको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 से करके देखते हैं। तो इसे आगे अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो सेम नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 से किया मैंने क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे 5 रेशनल नंबर ऑप्टेन नहीं होंगे, 3 10 30 एंड 5 3 15 3 45। नेक्स्ट 12 3 36 एंड 15 3 45, तो हम देख सकते हैं 30 एंड 36 के बीच में 31 32 33 34 एंड 35 36, तो हम देखते हैं कि नंबर जो ऑप्टेन हो रहे हैं, देखिए रेशनल नंबर हम राइट कह सकते हैं, जो रेशनल नंबर है 5 रेशनल नंबर जो ऑप्टेन हो रहे हैं अपने पास, तो हम देख सकते हैं 36 स्टार्ट है पॉजिटिव नंबर, 30 upon 45, उसके बाद आता है 31 upon 45, 32 upon 45, 33 upon 45, 34 upon 45 एंड नेक्स्ट जो है 35 upon 45 एंड 36 upon 45। तो देखिए यहाँ 30 and 45 के बीच 1 2 3 4 5 जो रेशनल नंबर है हमें ऑब्टेन हुए हैं। तो इसी प्रकार जो हमें क्वेश्चन करने हैं इसके, तो आज का जो होमवर्क है अपना एक्सरसाइज 1.2 का, तो आज के जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो हमें होमवर्क में कंप्लीट करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे, तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।